क्या हुआ मां? आज अपने पुत्र का मुख भी नहीं देखेंगी। राम, तुम तो सदैव हम तीनों माताओं को एक समान मानते थे ना, तो आज ये पक्षपात क्यों, ये भिन्नता क्यों? हम दोनों से पूछे बिना केवल एक माता के आदेश पर तुमने वनवास जाने का निर्णय ले ली, क्या ये उचित है कि हम दोनों का कोई महत्व नहीं तुम्हारे जीवन में? मां, मेरा निर्णय रघुकुल की रीति और परंपरा का प्रतीक है, और इस रीति और परंपरा का निर्वाह करना मेरा कर्तव्य। मैंने कभी भी आप तीनों को तीन माताओं के रूप में नहीं देखा, अभी तो सदैव एक ही माना है। आप में से किसी ने कुछ भी कहा, उसे आप तीनों का ही आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया, और इसीलिए माता कैकेयी का आदेश मानकर मैं अब आपके पास आया हूं अपने वन गमन की आज्ञा मांगने, जिससे मैं अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकूं। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मैं वन नहीं जाऊंगा, किंतु माता पिता की आज्ञा और कुल का गौरव बढ़ाना एक पुत्र का दायित्व है, और ऐसे में आपका पुत्र राम अपने कर्तव्य से कैसे मुंह फेर सकता है? मां, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए मां, क्योंकि बिना आपकी अनुमति के मैं अपने कर्तव्य पथ पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकता। राम, ऐसा लगता है कि कल ही की बात है, तुम छोटे से थे और मैं तुम्हें गोद में खिलाया करती थी, अपनी उंगली पकड़ा के चलना सिखाया करती थी, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम मुझसे एक दिन वन में जाने की अनुमति मांगोगे, एक माँ से दूर जाने की अनुमति मांगोगे। इससे अधिक कष्टदायक क्षण क्या हो सकता है एक माँ के जीवन में? और अब जब वो क्षण आ गया है राम, तो हम क्या करेंगे, कैसे अनुमति दे दो तुम्हें, कैसे दे दो अनुमति? Thank you.
किंतु राम, एक माता होने के साथ साथ एक रानी भी हूं और मेरा दायित्व है राम कि तुम्हें अपने कुल के प्रति, अपने राज्य के प्रति कर्तव्य करने से ना रोकूं। जाओ राम, अपने पिता के वचनों की पूर्ति करो, अपने वचनों की पूर्ति करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी। प्रणाम मां। तात जाऊं बलि कीन्हे हुनीका, पितु आयसु सब धर्म कटीका। दीदी ये क्या किया आपने? राम को वन में जाने की अनुमति क्यों दी दीदी? आप ममता के आंचल में बांध के क्यों नहीं रोका उसे? ये क्या किया आपने दीदी? इतना अच्छा होता सुमित्रा, यदि मैं ऐसा कर पाती। किंतु आज राम के लिए अपनी माता के प्रेम से अधिक कर्तव्य पालन करना और धर्म की रक्षा करना Thank you.
पिताजी, हम आपसे वन जाने की अनुमति लेने आए। अब तुम्हारे लिए मेरी अनुमति का कोई महत्व नहीं। तुम तो मुझे अपना निर्णय सुनाने आए थे। तुमने भी ये वस्त्र धारण किए, तुम्हें किसने कहा बट जाने के लिए? मेरा तो जन्म ही भैया की सेवा करने के लिए हुआ है पिताश्री। वही मेरे सर्वस्व है। फिर इस 14 वर्ष के वनवास में मैं उनका साथ कैसे ना दूं? और पिताजी, पिता का कुछ भी नहीं, तुम्हें तो रोकना चाहिए था अपने भाई को, पर तुम तो उससे साथ जा रहे हो। पुत्री सीता, मैंने समझा था कि मिथिला से मैं एक पुत्री लाया, पर तुमने मुझे कभी पिता नहीं समझा। यदि समझती तो ये भी समझती कि एक पिता के लिए कितना कठिन होता है अपनी पुत्री को बलकल धारण किए देखना। तुम्हें मेरी अंतिम आशा थी। मैंने सोचा था कि तुम अवश्य राम को रोकोगी, पर तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो। इतने दुख सहकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? और यदि रहा भी तो किसके लिए? किसके लिए राम? रघुकुल की रीति एवं परंपरा, पूर्वजों का यश एवं कीर्ति और आपका पुण्य प्रताप, सब कुछ धूमिल हो जाएगा मात्र मेरे वन ना जाने के कारण। युगों से चली आ रही परंपरा को मात्र 14 वर्ष के वनवास के भय से पराजित हो जाने दो। पिताजी, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं और अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो फिर मैं उसी के पतन के लिए उत्तरदायी कैसे हो सकता हूं? उड़े तो पतन, लगने तो कलंक। ताकि स्कूल में मेरी भांति बिना सोचे कोई वचन नहीं देगा। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। किंतु यहां तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध किसी और का है और दंड कोई और पा रहा है। पुत्र, मेरे प्राणों के मूलाधार तुम ही हो और मैं किसी भी मूल्य में तुम्हें खोना नहीं चाहता। यदि खो दिया
तो फिर तो पुनः मुझे पा नहीं सकोगे। क्योंकि तुम्हें खोने का अर्थ है जीवन खो देना। पिताजी, आपके राम को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। मेरे मन में ऐसा विश्वास है। आपके मन में है या नहीं, तो फिर पाना क्या और खोना क्या? पिताजी, मैंने माता कैकेयी को वचन दिया है कि पुष्य नक्षत्र व्यतीत होने से पूर्व हम अयोध्या का राजभवन छोड़ देंगे। हमें अनुमति दीजिए। हम जहां भी रहें, अपने मन, कर्म, वचन, चित्त एवं हृदय में सदैव आपका प्रेम एवं अनुराग स्मरण करेंगे। अयोध्या से प्रस्थान करने से पूर्व हम ये संकल्प लेते हैं पिताजी, कि सदैव रघुकुल की रीति, परंपरा एवं धर्म की रक्षा करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज्ञा दें पिताजी। लिए स्नेह बिकल उर लाए, कै मनि मन हो फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे उनर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रवाहू। सुमंत्र, राम को अपने रथ में लेकर जा, कैसे भी उसे समझा कर वापस ले आओ। उससे कहो कि उसके पिता और अयोध्या के लिए उससे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। जाओ सुमंत्र, जाओ, उसे लेकर आओ। जी महाराज।